मौका था दिल्ली में विजय वर्गीय वैश्य मंडल के 47वें वार्षिक समारोह और संत रामचरण जी के 300वीं जन्म जयंती महोत्सव का। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि स्वामी रामचरण जी का आगमन ऐसे समय में हुआ जब समाज कुरीतियों, आडंबरों और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के अंधकार से घिरा हुआ था। अपनी शिक्षाओं और अध्यात्म के जरिए उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई और मानव सेवा पर बल देते हुए शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों और समानता पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि परमात्मा की सच्ची सेवा गरीब के दुख को हरना है। रामचरण जी का संबंध राजस्थान की पावन धरा से रहा है। यह धरा संत रामचरण जी, मीराबाई और भगत धन्ना जी जैसे महान संतों की कर्म भूमि रही है। मुझे गर्व है कि मेरा हृदय भी उसी मिट्टी की खुशबू से आनंदित है। उस समय जब समय जातिवाद का था, छुआछूत का था, समाज में शिक्षा का अंधकार था, उस समय उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से और शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से समाज में एक व्यापक परिवर्तन करने का काम किया और लगातार उनके पथ प्रदर्शक के रूप में, उनके बताए मार्ग के रूप में आज हजारों लोग राम स्नेह समुदाय के इसी तरीके से उनकी वाणी को लेकर समाज में एक व्यापक परिवर्तन किया और उनकी कृपा से आज ये राम स्नेह समुदाय को मानने वाला ये विजयवर्गीय समाज एक अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, समाज के अंदर मानवता की सेवा करते हुए समर्पण भाव से काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि विजयवर्गीय वैश्य मंडल संत रामचरण जी की शिक्षाओं पर आगे बढ़ते हुए मानव कल्याण की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है जो अनुकरणीय है।